हिंदू धर्म जिसे हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं, जिस धर्म के ऊपर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिस धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि यह हजारों वर्ष पुराना धर्म है, जिस धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी संस्कृति दुनिया के तमाम धर्मों में से सबसे ज़्यादा अच्छी संस्कृति है, जिस धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का सारा ज्ञान वेदों में है, जिस धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि यह धर्म दुनिया के तमाम धर्मों में सबसे ज़्यादा सहिष्णु है, जिस धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ऐसा हमारा सत्य सनातन धर्म है और इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना महान और इतना विशाल धर्म होने के बावजूद समय समय पर हमारे धर्म के ऊपर कई लांछन भी लगते रहे हैं, और सबसे बड़ा लांछन इस धर्म के ऊपर अगर कुछ लगा है तो वो लगा है जातिवाद का, एक इंसान का दूसरे इंसान से भेदभाव का, जातीय श्रेष्ठता का, अंधविश्वास पाखंड का। समय समय पर ये आरोप हमारे धर्म के ऊपर लगते आए हैं और आज भी लगते रहे हैं, और इसी का नतीजा रहा है कि हमारा समाज, हमारा धर्म कई धर्मों में आज के समय में विखंडित हो चुका है। जब हमारे धर्म के अंदर पाखंड अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ने लगा तो गौतम बुद्ध पैदा हुए और उन्होंने इस धर्म का त्याग किया और दूसरे मार्ग पर निकल गए। इसी तरह से सिख धर्म की भी उत्पत्ति होती है, इसी तरह से जैन धर्म की भी उत्पत्ति होती है। ये सारे धर्म हमारे धर्म में से ही निकलकर बने हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग इस धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद, इन सब के खिलाफ थे। और ऐसा काम, यानी हमारे धर्म में जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड, इसको बढ़ाने का काम कुछ पंडों ने, कुछ पुजारियों ने, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने किया है, और उन्होंने अपनी इस घटिया सोच को हमारी जो कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं, पुराण हैं उनमें भी लिखने का काम किया है, जिसके वजह से हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के अंदर समय समय पर बढ़ा है और आज भी माना जाता है, देखा जाता है। ऐसे ही दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक पाखंडी, एक अंधविश्वासी और एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, लेकिन आज के समय में इस शख्स को हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी पदवी है उस पदवी से नवाजा गया है। ये दोस्तों शंकराचार्य का पद है। मैं आप लोगों को बता दूं कि शंकराचार्य का पद हमारे हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, यानी हमारे समाज के अंदर अगर कोई भी धार्मिक समस्या हो जाती है और किसी भी तरह की धार्मिक व्याख्या की आवश्यकता होती है तो शंकराचार्य जो टिप्पणी करते हैं धर्म से संबंधित, उसे अंतिम टिप्पणी मान ली जाती है, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो कहा होगा सही कहा होगा और उसी के ऊपर अमल भी किया जाता है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर इस शख्स की फ़ोटो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये शंकराचार्य हैं, इसका नाम शंकराचार्य निश्चलानंद, ऐसा ही कुछ नाम है। दोस्तों, ये बेहद ही जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये शंकराचार्य के पद पर पहुँचा है तो जाहिर सी बात है इसके पास वो तमाम जानकारियाँ होंगी जो वेदों और पुराणों में वर्णित हैं, लेकिन ये जानबूझकर उन सही चीज़ों को समाज के अंदर प्रदर्शित नहीं करना चाहता है। इसकी एक मैंने वीडियो देखी, उस वीडियो में इसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बेहद ही गलत बात कही, नंद बाबा के बारे में बेहद ही गलत बात कही, और इसने भी उसी प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम किया जो इसी हिंदू धर्म की एक जाति फैलाने का काम करती है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए कि इस पाखंडी शंकराचार्य ने क्या कहा है।
चार अवतार भगवान विष्णु के ब्राह्मण कुल में मान्य हैं। वामन भगवान एक, परशुराम भगवान दो, बुद्ध भगवान तीन, कल्कि भगवान चार, और दो क्षत्रिय कुल में मान्य हैं, भगवान श्री रामभद्र और श्री कृष्णचंद्र। जब श्री कृष्णचंद्र को नंदनंदन के रूप में हम उद्भाषित करते हैं तो उनको वैश्य मान लेते हैं। जन्म की दृष्टि से वो क्षत्रिय हैं, लेकिन नंद भवन में पले, नंद बाबा की जाति वैश्य थी, एतावता भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल भी कह देते हैं। दोस्तों, इसने अपनी वीडियो में कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यह बात इसने एकदम सही कही। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, यह बात एकदम सही है। लेकिन इसने कहा कि उनका जो लालन पालन है वो नंद बाबा के यहाँ हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसने नंद बाबा के लिए कहा कि नंद बाबा जी वैश्य जाति से आते थे, यानी बनिया जाति से आते थे, और इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा जो राजपूत जाति के लोग हैं वो हमारी जाति यानी यादवों के बारे में करने का काम करते हैं। वो भी यही बात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राजपूत थे और नंद बाबा तो वैश्य थे। अब दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम लोगों ने अपनी तमाम वीडियो के माध्यम से दिया है, और इसी सवाल का जवाब हमारे जो साथी हैं, हमारे गुरुजी हैं, श्री सुमंत कुमार यादव जी, सुमंत कुमार यादव जौरा जी, उन्होंने अपनी किताब का नाम है गोप आभीर अहिर यादव, ये किताब है, ऐसे ही तमाम पाखंडी बाबाओं, इन तमाम शंकराचार्यों को जवाब देने के लिए एक किताब इन्होंने लिखी है, और इस किताब में इसी तर्क का जवाब बेहद ही सटीक तरीके से सुमंत कुमार यादव जी ने दिया है। मुझे तो इसके बारे में पता है और मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ बताना। तो देखिए, इन्होंने इस किताब में इसी तर्क का जवाब क्या ज़बरदस्त तरीके से दिया है। सुमंत कुमार यादव जी अपनी किताब में लिखते हैं कि कभी कभी नंद का वर्ण वैश्य बताया जाता है, जैसा कि इस पाखंडी शंकराचार्य ने बताया। इसके पीछे दो आधार बताए हैं। पहला आधार क्या है? नंद के पितामह देवमीर की पत्नी गुणवती वैश्य वर्ण की थी। दूसरे शब्दों में नंद गोप की पितामही यानी दादी वैश्य वर्ण की थी, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। सबसे पहले ये आप एक डायग्राम है, इसको देखिए। इसमें देखिए दोस्तों, देवमीर नाम के एक शख्स थे, एक राजा हुआ करते थे, जो कि नंद जी के पितामह थे यानी कि दादा थे। तो देवमीर की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी अश्मकी थी, जो कि क्षत्रिय कन्या थी, याद रखिए। दूसरी पत्नी देवमीर की थी गुणवती, जो कि वैश्य कन्या थी। पहली पत्नी देवमीर अश्मकी, जो पहली पत्नी थी, उनसे शूरसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ, और शूरसेन से वासुदेव जी का जन्म हुआ, और वासुदेव जी से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का जन्म हुआ। और इसीलिए जो इस प्रकार के पाखंडी शंकराचार्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण को क्षत्रिय बताते हैं। हालांकि वो क्षत्रिय थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्षत्रिय ही थे और सही बताया है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं देवमीर की जो दूसरी पत्नी थी गुणवती, वो वैश्य कन्या थी। इन दोनों से पारजन्य नाम के एक पुत्र हुए, और इन्हीं पारजन्य से नंद गोप पैदा हुए, और नंद गोप से योग माया विंध्यवासिनी जो माता हैं उनका जन्म होता है। यानी पारजन्य से नंद बाबा हुए और शूरसेन से वासुदेव हुए। तो आप दोनों का रिलेशन समझिए क्या हुआ। नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों रिश्ते में तो भाई लगे, तो एक का वर्ण क्षत्रिय और एक का वर्ण वैश्य कैसे हो सकता है? अगर इस आधार पर नंद बाबा जी को वैश्य बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी दादी वैश्य थी, तो इस आधार पर जो शांतनु जी थे उन्होंने एक मत्स्य कन्या से शादी की थी और मत्स्य कन्या को शूद्र माना गया है, तो भैया उनका जो पूरा परिवार था, यानी कि भीष्म थे, यानी कि कर्ण थे, यानी कि अर्जुन थे, यानी कि जितने भी कौरव पांडव थे, उनको भी शूद्र मानना चाहिए।
लेकिन उनको तो शूद्र नहीं मानते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो महिलाएं होती हैं उनका कोई भी जाति नहीं मानी जाती है। जो पिता की जाति होती है, जो दादा की जाति होती है, उसी जाति से पुत्र की भी जाति मानी जाती है। जैसे कि महाराज ययाति थे, उनकी एक पत्नी राक्षस कुल से थी और एक पत्नी ब्राह्मण कुल से थी, लेकिन जो उनका वंश चला उनको क्षत्रिय ही माना गया, किसी को ब्राह्मण और किसी को राक्षस कुल का नहीं माना गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो जातिवादी मानसिकता के पंडे पुजारी हैं उनका खेल देखिए, किस प्रकार से गंदी मानसिकता के लोग थे। उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, वासुदेव जी को क्षत्रिय बना दिया और नंद बाबा जी की जाति को वैश्य बना दिया। आगे देखिए इसमें क्या लिखते हैं, नंद गोप के घर गाय पालन पशुपालन का कार्य किया जाता था। उल्लेखनीय है कि शास्त्रीय ग्रंथों में गाय पालने खेती करने वाले को वैश्य वर्ण में रखा गया है, जैसे कि हरित स्मृति में। अब दोस्तों, कुछ शास्त्रों में जो गाय पालन और पशुपालन करते हैं उन्हें वैश्य वर्ण में मान लिया जाता है। वैश्य का यह धर्म है कि गौओं की रक्षा करें, खेती और वाणिज्य करें, यथाशक्ति दान और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अग्नि पुराण में भी खेती, गौरक्षा और व्यापार वैश्य का विशेष कर्म बताया गया है। भगवत गीता में भी यही बताया गया है, लेकिन तर्क की कसौटी पर ये दोनों चीज़ें सही नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो जातिवादी मानसिकता के पंडे पुजारे और इस शंकराचार्य की तरह घटिया सोच के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो लोग पशुपालन करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, उनको इन्होंने वैश्य वर्ण का बता दिया। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कर्म के आधार पर जाति को तय कर दिया, और अगर कर्म के आधार पर ही जाति को तय करना था तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शांतनु की पत्नी मत्स्य कन्या थी, शूद्र कन्या थी, तो अगर उन्हीं की जाति के आधार पर उनके वंशजों की जाति तय होनी थी तो अर्जुन, पांडव, कौरव इन सब की जाति शूद्र क्यों नहीं मानी गई। उसी प्रकार से ययाति की पत्नी राक्षस कुल से थी, एक ब्राह्मण कुल से थी, तो उन्हीं के कर्म के आधार पर उनके वंशजों की जाति ब्राह्मण और राक्षस कुल की क्यों नहीं मानी गई। इसीलिए तर्क की कसौटी पर यह बिल्कुल भी तर्क नहीं खड़ा होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, गाय पालन के आधार पर अहिर और नंद को वैश्य वर्ण में नहीं रखा जा सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया। पशुपालन और गाय के आधार पर किसी को भी वैश्य वर्ण का नहीं माना जा सकता। इसका खंडन तीन आधार पर किया जा सकता है। पहला, वासुदेव जी ने भी स्वयं गोपालन किया था। महादेवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है, वासुदेव ने अपना जीवन वैश्यवृत्ति से गुजारा था, यानी पशुपालन करके गुजारा था। सभी राजा गोपालन करते थे। रामायण में दशरथ और भगवान राम ने गोपालन किया था। रघुवंश महाकाव्यम राजा दिलीप ने गाय चराई थी। ब्राह्मण और गाय का संबंध है। गाय पालन क्षत्रिय का कर्म और अधिकार है। वृहदारण्यक उपनिषद, राजा विदेह। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हैं अपने आप में विरोधाभासी चीज़ें लग रही हैं। एक तरफ हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में ये माना गया है कि गाय हमारी माता है, और जब आर्य इस देश के अंदर आए थे, जब आर्य आए थे तो आर्यों का जो परम कर्तव्य है, जो सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य था, वो पशुपालन ही था। पशुपालन से ही वो अपनी जीविका चलाते थे। तो अगर पशुपालन करना, खेती करना वैश्यों का कर्म था, तो जितने भी आर्य थे उनको भी वैश्य में ही रखा जाना चाहिए था। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं विरोधाभासी बातें हैं। आगे देखें यहाँ पर क्या लिखा है, वासुदेव का जन्म गोप वंश में हुआ था। पौराणिक संदर्भ के अनुसार वे कश्यप मुनि के अवतार थे, जैसा कि वासुदेव के जीवन परिचय वाले अध्याय विस्तृत रूप में बताया जा चुका है। वरुण देव और ब्रह्मा के श्राप से उनका जन्म गोपाल अर्थात गोप वंश के रूप में हुआ, और उन्होंने अपना जीवन वैश्यवृत्ति से गुजारा, जैसा कि नीचे बताया गया है। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को श्लोक नजर आ रहे होंगे। कश्यप मुनि पूर्व जन्म के श्राप के कारण क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर गोपालन किए। उनका जन्म वासुदेव के रूप में हुआ, उन्होंने गोपालन का कार्य किया।
इसी तरह कोसरावंशी यदुवंशी राजा सहस्त्रबाहु उर्फ कीर्तिवीर अर्जुन एक चक्रवर्ती राजा के साथ साथ पशुपालक और छत्रपाल थे। तो दोस्तों, इन सारी बातों से ये सारी चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं कि नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों एक ही दादा की संतानें थे और दोनों रिश्ते में भाई थे। दोनों ने ही गोपालन किया था। सिर्फ गोपालन के आधार पर किसी एक को क्षत्रिय और किसी एक को वैश्य नहीं बताया जा सकता और ना ही महिला की जाति से उसके वंशजों की जाति तय की जा सकती है। तो दोस्तों, जितने भी इस प्रकार के शंकराचार्य हैं, जितने भी इस प्रकार के पाखंडी बाबा हैं, ये सब के सब जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं और इन्हीं जैसे पाखंडी पंडे पुजारियों के वजह से हमारे हिंदू सनातन धर्म का धीरे धीरे पतन हो रहा है और धीरे धीरे लोग इसीलिए इस धर्म को छोड़कर नए धर्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर धर्म की सही व्याख्या करने का एक दायित्व है, वही लोग धर्म की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं और जनता को जो गलत तथ्य है वो बताने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरी आंखों में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई है और मैं चाहता नहीं था कि वो आप लोग देखें, अगले वीडियो तक ठीक हो जाएगी, सिर्फ इसीलिए लगा रखा है मैंने। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी लोग कमेंट करके इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी आप लोगों से मैं मुलाकात किसी और वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।